दुर्ग के रेलवे स्टेशन में मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला सामने आया है, जिसे बाबा साहेब के मानने वालों ने स्टेशन में जमकर हंगामा किया और आरपीएफ थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक में मंगलवार को मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में लगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को वीपी नायडू के द्वारा हटवाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई और दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे बाबा साहब के अनुयायियों ने मुख्य टिकट निरीक्षक के ऑफिस के बाहर खड़े होकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान धीरे धीरे वहां समाज के पदाधिकारियों और बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा वीपी नायडू के खिलाफ जीआरपी थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, साथ ही दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती भारत के साथ साथ पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज बड़े ही शर्म की बात है। यह न सिर्फ समाज के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बेहद ही शर्म की बात है कि दुर्ग के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, जो कि इस ऑफिस में मुख्य टिकट निरीक्षक के ऑफिस में, एक बाबा साहब का फोटो काफ़ी सालों से लगा हुआ था और वो फोटो इनके सर्वसम्मति से लगाया गया था और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन उस फोटो को मैडम, इनकी जो वीपी नायडू मैडम है, टिकट महाप्रबंधक है, इन्होंने आपत्तिजनक तरीके से उस फोटो को निकाले, उसका अपमान करते हुए कचरे के ढेर में फेंके, यह सूचना हमें मिली और हमने आज जब यहाँ के समाज के साथ में आके देखा तो वाकई वो जो फोटो थी टेबल के नीचे पड़ी हुई थी और इसका सवाल जवाब हमने करने लगे स्टाफ से, तो उस टाइम उन्होंने वो फोटो को वापस टांग दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर से इस प्रकार से आप दुश्मनी कर रहे हैं या बाबा साहेब से इतनी घृणा कर रहे हैं, आखिर क्यों है? जो मैडम आज इस प्रकार की बाबा साहेब को अपमानित कर रही है, उसी मैडम को बाबा साहेब के संविधान की वजह से ड्यूटी मिली है, ये बात उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मगर ये देश में आगे की रणनीति हमारी ये है कि जब तक वो मैडम यहाँ पर आकर हमसे माफ़ी नहीं मांगेगी, सभी समाज के सामने में माफ़ी नहीं मांगेगी, हम यहाँ पे पूरे समाज के साथ में धरने पे बैठेंगे, हम यहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे, साथ ही मैडम के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे, साथ ही हम इस बात की भी मांग करेंगे कि जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से मैडम को ड्यूटी मिली है उसे उस पद से बर्खास्त किया जाए। और इस सभी अभियान में समाज के साथ साथ आप सभी मीडिया प्रभारी हमारा साथ देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। दुर्ग रेलवे स्टेशन में आज समाज के सारे उपस्थित लोगों को पता चला है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती 14 अप्रैल के दिन आज मुख्य प्रबंधक वीपी नायडू जी के ऑफिस में फ़ोटो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की लगाई हुई थी। पता चल रहा है कि रात के 2 से 3 बजे के बीच उस फोटो को उतार के नीचे कचड़े में रखा जा रहा है। ऐसा आज हमको सूचना मिलने पे हम दुर्ग रेलवे स्टेशन मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब समाज के पूरे सभी लोग पदाधिकारी मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब हमारे पीवीआर नायडू मैडम मुख्य प्रबंधक, उन्होंने बाबा साहेब की फ़ोटो को निकाल कर दीवार में हमारे समाज के लोगों के सामने टंगाया गया और फूल हार चढ़ा के माफ़ी मांगा गया। हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।